क्योंकि अगर आपने मेरे मुझे बेस्या के हाथों बेच दिया तो मेरी सारी मान मर्यादा, मेरी इज्जत, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप हमें बेस्या के हाथों न बेचें। भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा। उसी जगह पर महाराज एक ब्राह्मण आ गए और ब्राह्मण ने रानी तारा का मोल किया है तो महाराज 20 भार सोना बताया। कहा ये बच्चा, जब बच्चे का नाम लिया तो कहा इसका भी 20 भार सोना। तो ब्राह्मण देव ने रानी तारा और बेटा रोहितास को खरीद लिया। उसी जगह पर महाराज कालू मैत्र आ जाता है। कालू मैत्र ने राजा हरिश्चंद्र का मोल पूछा तो राजा हरिश्चंद्र का भी 20 भार सोना बताया। कालू मैत्र ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया। अब जब दोनों तीनों प्राणी एक दूसरे से दूर हुए हैं तो बताया जाता है रोहितास बहुत रोए हैं, रानी तारा बहुत रोई है, अपने अपने घर पर आए हैं। राजा हरिश्चंद्र से कहा कि आप पानी भरने के लिए जाएंगे और इधर ब्राह्मणी ने रानी तारा से कहा कि आप घर का काम करोगी, भोजन इत्यादि बनाओगी और आपका बेटा बाग से फूल लेने के लिए जाएगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज हरिश्चंद्र से कहा कि जाओ आप पानी भर के लाओ। पहले दिन महाराज हरिश्चंद्र ने पानी भरा और जैसे ही शाम हुआ तो कालू मैत्र ने अलग भोजन दिया, कहा कि जाओ आप अलग भोजन अपना बनाओ और खाओ जा करके। हरिश्चंद्र ने भोजन बनाया, खाने के लिए बैठे तो विश्वामित्र ने क्या किया, एक भिखारी का भेष धारण कर लिया और जहां हरिश्चंद्र भोजन खाने के लिए जा रहे थे पहुंच गए, कहने लगे अरे इस घर में कोई है, मुझे 4 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया, मुझे कोई हो तो खाना दे दो। हरिश्चंद्र सोचने लगे कि मुझे 3 ही दिन हुए हैं, इसे 4 दिन हो गए इसने भोजन प्राप्त नहीं किया, चलो आज का खाना हम इसे दे देते हैं। वो खाना महाराज हरिश्चंद्र ने उस भिकारी के रूप में आए विश्वामित्र को दे दिया। दूसरे दिन की बात है, जैसे ही खाना बना कर खाने के लिए बैठे तो महाराज एक कुत्ते का वेश धारण करके आए हैं विश्वामित्र, तो हरिश्चंद्र का सारा भोजन खा जाते हैं। तीसरे दिन महाराज भोजन करने के लिए बैठे, एक बिल्ली का वेश धारण करके महाराज विश्वामित्र ने वो भी भोजन खा लिया। हरिश्चंद्र कहने लगे शायद अब हमारी किस्मत में भोजन भी नहीं है, जाओ आज के बाद हम भोजन ही ग्रहण नहीं करेंगे। महाराज हरिश्चंद्र ने भोजन भी करना बंद कर दिया। धीरे 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 हरिश्चंद्र का जो शरीर है ना वो जर्जर होने लगा। एक दिन की बात है, हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए घाट पर गए हैं, पानी भर तो लिया है लेकिन शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो घड़े को उठा ले। अक्षमात उसी घाट पर रानी तारा आ जाती है। रानी तारा ने अपने महाराज को देखा, सोचने लगी क्या बात है, मेरे महाराज जब आए थे तो कितने अच्छे लग रहे थे, लगता है महाराज हमारे खाना नहीं खा रहे। और जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र की नजर रानी तारा पर पड़ी तो रानी तारा से जवाब दियो है, रानी आप हमारी घड़े को उठवा दे, हमारे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो हम अपने आप से घड़ा उठा लें। जब ये कहा कि खुद हमारे शरीर में सामर्थ्य नहीं है जो हम घड़ा उठा लें तो रानी तारा ने कहा महाराज क्षमा करना, हम आपका घड़ा नहीं उठवा सकते। बोले क्यों? बोले महाराज आपके हाथों में जो घड़ा है ना वो मैत्र का घड़ा है और हमारे हाथ में घड़ा है वो ब्राह्मण का घड़ा है, लेकिन हाँ आपको हम युक्ति जरूर बता सकते हैं। बोले क्या युक्ति है तुम्हारी? तो रानी तारा ने कहा सुनो महाराज कि गहरे जल में धस जाओ घड़ा उठ जाएगो और तनिक सहारो पानी को लग जाएगो। कहा कि अगर आप गहरे पानी में चले जाओगे तो हमारा थोड़ा सारा पानी का भी लग जाएगा, आपका घड़ा सहज ही उठ जाएगा। ये युक्ति बता करके रानी तारा ने अपना घड़ा भरा, वहां से चली जाती है। हरिश्चंद्र ने घड़ा भरा,
जैसे ही घर में आई घड़ा बांध तो उठा लिया, लेकिन इतनी सामर्थ्य नहीं रही जो घड़े को उतार लें। जैसे ही घड़ा उतारा तो हाथ से वो घड़ा छूट जाता है, और जैसे ही वो घड़ा छूटा तो घड़ा फूट गया। जैसे ही कालू मैत्र ने देखा तो कालू मैत्र कहने लगे, हरिश्चंद्र एक बात बताओ, हम आपके लिए घड़ा रोजाना कहाँ से लाएंगे? आज से आप झाड़ू लगाना बंद, पानी भरना बंद, आप मरघट की पहरेदारी करोगे जाकर के। देखिए महाराज, समय समय बदलते देर नहीं लगती। कहा महाराज हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र से हरिया बने और हरिया से फिर मरघटिया, मरघट में पैरा लगाने लगे जाकर। जब मरघट में पैरा लगाने लगे, इधर रानी तारा काम कर रही है, शाम का वक्त है। ब्राह्मण देव ने कहा है रानी तारा से कि आपका बेटा कहाँ है और हमारी पूजा के लिए देर हो रही है, भैया मनोज वहां पर नहीं, यहाँ आइएगा। कहा कि आपका बेटा कहाँ है, हमारी पूजा के लिए देर हो रही है, आप अपने बेटे को जल्दी से जल्दी बुलाइए। तो रानी तारा ने बेटा रोहितास को पास में बुलाया, और जब पास में बुलाया कहा कि लाला ब्राह्मण देव नाराज हो रहे हैं, आप ऐसा कीजिए फूल लेकर के आइए। तो बेटा रोहितास ने क्या किया,